सभी भाई दोस्तों, आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, सभी भाई क्लास में लगातार बने रहे और सभी प्रश्नों का जवाब भी देते जाए साथ साथ। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी BSTC की एग्ज़ाम अब नज़दीक ही आती जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई क्लास को लगातार आनंद के साथ लेंगे और सही प्रश्नों का जवाब भी देंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को बिना देरी के प्रारंभ करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान का स्थापना दिवस आप सभी लोगों को पता है कि 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, आप सभी भाइयों को पता है कि राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है। इसका ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी भाइयों को लग रहा है कि सर ये इजी क्वेश्चन क्यों आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन दोस्तों कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी डाल देते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्वेश्चन को पढ़कर जरूर जाए और आप लोगों को याद भी होना चाहिए। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या ये 25 है अपने, यानी कि 25 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 सीटों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? ये तो दोस्तों सचिन पायलट है। क्या? सचिन पायलट। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कमला बेनीवाल। क्या? कमला बेनीवाल राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों, ये बहुत ही, जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सरदार गुरुमुख नियाल सिंह। क्या? सरदार गुरुमुख नियाल सिंह राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, आप सभी भाइयों को पता है कि वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री कौन है? तो अपने अशोक गहलोत जी हैं। क्या? अशोक गहलोत जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों, आप सभी भाइयों को ये भी पता होगा वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। क्या? कलराज मिश्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। क्या? श्रीमती वसुंधरा राजे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन का मिस्टेक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये टाइपिंग में थोड़ा दोस्तों मिस्टेक कर दिया, अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा नहीं रहे, कौन आ गए? BD कल्ला। क्या? BD कल्ला, ठीक है दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है, ये गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है, कौन है? BD कल्ला वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो दोस्तों, कृषि मंत्री अपने लालचंद कटारिया है। क्या? लालचंद कटारिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? तो दोस्तों, इसको 1956 में दिया गया था। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1956। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। क्या? हीरालाल शास्त्री था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? तो दोस्तों इसको भौगोलिक क्षेत्र का नाम राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये अपने 1948 में शुरू हुई थी। क्या 1948 में शुरू हुई थी एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने रजवाड़ा एवं क्षेत्रीय राज्यों को एकीकरण राजस्थान राज्य की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये 19 यानी कि रियासत पूछ रहा है इसमें। तो राजस्थान में मतलब कितनी रियासत थी, मतलब तो 19 रियासत थी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बड़ौदा में किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये 1919 में की गई थी। क्या 1919 में की गई थी। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आप सभी की आज की क्लास। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोस्तों अगर हमने कोई अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपसे सॉरी चाहते हैं। दोस्तों आप भी थोड़ा ध्यान रखना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद जय भारत।